Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 4 RBSC class 4th English 2. ठीक है, आपकी class 4th की English का ये 4th chapter है. Name of this chapter, A Visit to the Camel Fair of Pushkar. ठीक है, क्या मतलब हुआ इस नाम का, क्या मतलब हुआ? पुष्कर के ऊंट मेले का भ्रमण. ठीक है, विजिट करना मतलब जाना, भ्रमण करना. ठीक है, कैमल आपको पता है ऊंट को बोलते हैं. ठीक है, फेयर किसे बोलते हैं? मेले को. और पुष्कर, पुष्कर में ऊंटों का बड़ा सा मेला लगता है ना, काफी फेमस मेला है पुष्कर में, जो ऊंटों का मेला लगता है. तो उसकी एक उसका भ्रमण करने के बारे में ये चैप्टर आपको दिया गया है, पुष्कर के ऊंट मेले का भ्रमण. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विजिट का मतलब होता है जाना, भ्रमण करना. कैमल आपको पता है ऊंटों को बोलते हैं. फेयर का मतलब है मेला. पुष्कर, पुष्कर जगह का नाम है. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कस. पहले हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर. ये आपको नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है ना, देखिए पिक्चर दिख रही है, इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है. ठीक है, देखिए ये कैमल है, ये कैमल दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये मैन है, वोमेन्स है, चिल्ड्रन है. ठीक है, और ये काउज है. तो इस तरह से आपको ये बहुत सारी चीजें, ये देखिए एक आपको झूला दिखाई दे रहा है. ठीक है, हॉर्स दिखाई दे रहे हैं. तो इस तरह से इसमें आपको पिक्चर में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं. तो इनको देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है. तो व्हाट डू यू सी, सी मतलब देखना, व्हाट मतलब क्या, इन दिस पिक्चर, ये जो नीचे पिक्चर दी गई है इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं. तो आप इस चित्र में क्या क्या देख सकते हैं वो आपको बताना है. ठीक है, तो अभी हमने देखा है पिक्चर में हमें क्या क्या दिखाई दिया है, तो उसके बारे में आप लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ मैंने आपके लिख दिया है, आप यहाँ से देख के नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में. इसका आंसर है फर्स्ट का, आई सी इन दिस पिक्चर, मैंने इस पिक्चर में देखा मैन, वोमेन, कैमल्स, काउज और मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड मतलब गोल गोल घूमने वाला जो झूला होता है ना, राउंड राउंड जिसमें झूलते हैं, तो वो झूला मैरी गो राउंड झूले का नाम है, जो जिसमें में आप राउंड राउंड घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं. ठीक है, मैन, वोमेन, कैमल, काउज और मैरी गो राउंड. ठीक है, ये चीजें हमने इस फेयर में, इस पिक्चर में देखी है. नेक्स्ट इज What is this picture about? ठीक है, क्या मतलब हुआ? What is this picture about? यह चित्र किसके बारे में है? ठीक है, अब आपको बताना है कि ये चित्र किसके बारे में है, तो आप क्या बताएंगे? अब ये नीचे पे चित्र आपने देखा ना, पिक्चर देखी है, वो किसके बारे में है ये आपको बताना है. तो आप क्या बताएंगे? दिस पिक्चर इज अबाउट फेयर. ये पिक्चर फेयर के बारे में है. फेयर हमने बताया था अभी आपको, फेयर किसको बोलते हैं? मेले को. ठीक है, तो अबाउट मतलब बारे में. ठीक है, अबाउट तो मतलब क्या होता है? बारे में. दिस पिक्चर मतलब ये पिक्चर. ये पिक्चर किसके बारे में है? तो ये पिक्चर फेयर के बारे में है. तो आप कैसे लिखेंगे सेकेंड का आंसर? दिस पिक्चर इज अबाउट अ फेयर. ये पिक्चर एक मेले के बारे में है. ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द फेयर दैट आर हेल्ड इन योर एरिया. अब आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पे कौन कौन से फेयर होते हैं, कौन कौन से मेले वहाँ पर लगते हैं, इसके बारे में आपको बताना है. ठीक है, तो बहुत सारे मेले पिक्चर में भी दिए गए हैं, आपके चैप्टर में भी, और तो आप इसमें से देख कर भी लिख सकते हैं, या आपको पता होगा जहाँ पर भी आप रहते हैं कि वहाँ पे कौन से फेयर लगते हैं, कौन से मेले लगते हैं. ठीक है, तो कुछ के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, आप यहाँ चेंज कर लेना. ठीक है, जैसे गणगौर फेयर, ठीक है, तीज फेयर और दशहरा फेयर. ठीक है, दशहरा मेला लगता है ना, तो इस तरह के आप अलग अलग फेयर के नाम आप बता सकते हैं. आपके एरिया में जो भी फेयर होंगे, जो भी मेले लगते हो, उनके नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कॉल द फेयर इन विच देयर आर लॉट्स ऑफ कैमल. ठीक है, उस फेयर को आप क्या बोलेंगे जिसमें बहुत सारे कैमल आते हैं. ठीक है, तो उस फेयर का आप क्या नाम बताएंगे? तो आपको बताना है कि अभी हमने देखा था ना कि बहुत सारे कैमल कौन से फेयर में आते हैं,
तो आपको उस मेले का नाम बताना है जिसमें बहुत सारे ऊंट आते हैं, मतलब कैमल्स आते हैं। कैमल किसको बोलते हैं? ऊंटों को बोलते हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ का आंसर? वी कॉल दैट कैमल फेयर। उसे हम क्या कहते हैं? कैमल फेयर बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऊंट आते हैं जिस फेयर में, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट, कॉल मतलब बुलाना, ठीक है, बोलना, दैट की कैमल फेयर। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कैमल फेयर बोलते हैं, हम उसे ऊंट मेला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आप कैसे बताएंगे? उसे हम ऊंट मेला कहते हैं, तो वी कॉल दैट कैमल फेयर। ओके, चलिए, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। ठीक है, लास्ट ईयर का क्या मतलब हुआ? पिछले साल। लास्ट ईयर आई वेंट टू विजिट माई अंकल इन अजमेर इन द मंथ ऑफ कार्तिक, अक्टूबर नवंबर। कार्तिक का कौन सा महीना होता है? हिंदी में कार्तिक का महीना को कब पड़ता है? अक्टूबर और नवंबर में पड़ता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर मतलब पिछले साल आई वेंट, वेंट मतलब जाना, गो का फास्ट फॉर्म है वेंट, क्योंकि लास्ट ईयर गया था ना वो, तो आई वेंट टू विजिट। ठीक है, मैं गया था, क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? आई वेंट टू विजिट, मैं गया था। कहाँ गया था? माई अंकल, मेरे अंकल के यहाँ इन अजमेर, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, लास्ट ईयर पिछले साल मैं अपने अंकल के यहाँ अजमेर गया था। ठीक है, आई वेंट टू विजिट, विजिट मतलब जाना, भ्रमण करना। ठीक है, माई अंकल मतलब मेरे यहाँ, मेरे अंकल के यहाँ, मैं अपने अंकल के यहाँ, अपने चाचा जी के यहाँ भ्रमण करने गया था। आई वेंट टू विजिट माई अंकल इन अजमेर, कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, किस महीने में गए थे? इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कौन सा महीना था? कार्तिक का महीना था, जो कि इंग्लिश में अक्टूबर नवंबर में पड़ता है। ठीक है, एज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन विजिटिंग फेयर्स, और जैसे कि आई एम वेरी, मैं बहुत ज्यादा, ठीक है, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था इन विजिटिंग, विजिटिंग मतलब जाने के लिए, कहाँ पे जाने के लिए? फेयर्स, मेलों में जाने के लिए, मेलों में जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, मुझे बहुत ज्यादा रुचि थी। ठीक है, तो हमें मेलों में जाने के लिए, जो बच्चा है बोलता है कि हमें मेलों में जाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा रुचि थी हमें मेले में जाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि इच्छा थी। ठीक है, इंटरेस्टेड का मतलब इच्छा होना होता है, इच्छा या फिर रुचि, याद रखेंगे आप, इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? रुचि या इच्छा। ठीक है, इच्छा होना। तो एज जैसे कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, मुझे बहुत ज्यादा इच्छा थी मेरी, ठीक है, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी इन विजिटिंग फेयर्स, मेले में जाने की। विजिट मतलब जाना, भ्रमण करना। ठीक है, मेले में जाने की मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी। आई आस्क्ड माई अंकल, मैंने मेरे अंकल से पूछा। आई आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछना, मैंने मेरे अंकल से पूछा, टू टेल मी, मुझे बताइए द नेम ऑफ द फेयर हेल्ड इन अवर स्टेट, उस फेयर का नाम बताइए, उस उन मेलों का नाम बताइए। फेयर्स, फेयर बोलेंगे एक मेले को, फेयर्स मतलब बहुत सारे। ठीक है, उन मेलों का नाम, उन मेलों के नाम बताइए जो कि यहाँ पर लगते हैं। हेल्ड मतलब होना, लगना। ठीक है, जो यहाँ पर मेले होते हैं उन मेलों का नाम बताइए मुझे, अवर स्टेट मतलब हमारे स्टेट में, हमारे स्टेट में। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। ही टोल्ड मी मतलब उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट कि इन अवर स्टेट, हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में डिफरेंट फेयर्स आर सेलिब्रेटेड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, क्या बताया उन्होंने? ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी मतलब उन्होंने, उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कहा। टोल्ड मतलब होता है कहना, बताना। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट कि इन अवर स्टेट, हमारे राज्य में डिफरेंट फेयर्स, अलग अलग मेले होते हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग, फेयर्स मेलों को, हमारे राज्य में अलग अलग तरह के मेले होते हैं, आर सेलिब्रेटेड, जो कि मनाए जाते हैं। सेलिब्रेटेड मतलब मनाना। ठीक है, जो कि अलग अलग तरह के मेले हमारे राज्य में मनाए जाते हैं,
ऑन डिफरेंट ओकेजन, ओकेजन कहते हैं मौकों को, ठीक है, ओकेजन कहते हैं किसी खास मौके पर, ठीक है। तो डिफरेंट मतलब अलग अलग ओकेजन्स, अलग अलग मौकों पर जो मनाए जाते हैं। थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब पूरे, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर का मतलब होता है पूरे साल, जो कि हमारे यहाँ उन्होंने क्या बताया, उनके चाचा जी ने, उनके अंकल ने बताया बच्चे के कि हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में पूरे साल ही अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह के फेयर, मेले जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, ठीक है। द बांसवाड़ा धाम, अब उन्होंने बताया जो बांसवाड़ा धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर, ठीक है। तो क्या बताया उन्होंने, जो बेनेश्वर धाम फेयर है, बेनेश्वर धाम फेयर मतलब बेनेश्वर धाम मेला कहाँ पर होता है, डूंगरपुर में, ठीक है। उन्होंने मेले का नाम बताया कि जो बेनेश्वर धाम मेला है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, वो डूंगरपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो द बेनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर, जो कि कहाँ पर होता है, डूंगरपुर में, ठीक है। ऐसे ही द गणगौर फेयर ऑफ जयपुर, गणगौर फेयर कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जयपुर में, ठीक है। तो गणगौर फेयर जयपुर में मनाया जाता है, तो द गणगौर फेयर ऑफ जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट इज द बाबा रामदेव फेयर ऑफ रामदेवरा, ठीक है। और रामदेवरा कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो बाबा रामदेव फेयर जो है, बाबा रामदेव मेला कहाँ पर होता है, रामदेवरा में होता है। और रामदेवरा कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। द करनी माता, और नेक्स्ट फेयर क्या है, द करनी माता फेयर ऑफ, करनी माता फेयर कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो करनी माता मेला जो है वो कहाँ पर होता है, देशनोक में, ठीक है। और देशनोक कहाँ पर है, बीकानेर में। तो करनी माता जो मेला है, करनी माता फेयर कहाँ पर होता है, देशनोक में। देशनोक कहाँ पर है, बीकानेर में, ठीक है। और द झंताला माता फेयर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। और झंताला माता फेयर कहाँ पे होता है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। झंताला माता फेयर चित्तौड़गढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि झंताला माता फेयर कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ भी कहाँ पर है, राजस्थान में है ना, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में झंताला माता फेयर मनाया जाता है। झंताला माता जो मेला है वो कहाँ पर होता है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का नाम आप याद रखेंगे। दशहरा फेयर, दशहरा फेयर ऑफ कोटा, दशहरा फेयर कहाँ पर मनाया जाता है, कोटा में, ठीक है। दशहरा फेयर ऑफ कोटा, दशहरा फेयर कोटा में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही कैमल फेयर, कैमल फेयर कहाँ पे होता है, पुष्कर अजमेर में, ठीक है। पुष्कर कहाँ पे है, अजमेर में। तो कैमल फेयर जो है वो अजमेर में मनाया जाता है, अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है, अजमेर पुष्कर में, ठीक है। तो कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, कैमल फेयर जो है पुष्कर में सेलिब्रेट होता है। और पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। आर सम ऑफ द वेल नोन फेयर ऑफ राजस्थान, ये जो कुछ हमने फेयर के नाम पढ़े हैं, कुछ मेलों के नाम पढ़े हैं, ये राजस्थान के प्रसिद्ध मेले हैं, ठीक है। ये जो राजस्थान के प्रसिद्ध मेले हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, आर सम ऑफ द वेल नोन, जो काफी वेल नोन मतलब फेमस हैं, फेमस जो फेयर हैं, प्रसिद्ध फेयर हैं ऑफ राजस्थान के। द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, पुष्कर का जो कैमल फेयर मेला है, जो ऊँटों का मेला जो है पुष्कर का, इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर, ये कब सेलिब्रेट होता है, हर साल, हेल्ड मतलब हर साल ये मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा में पर हर साल ये मनाया जाता है, एवरी ईयर मतलब हर साल, ठीक है। एवरी ईयर का मतलब क्या हुआ, हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर, ठीक है। तो द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, पुष्कर का जो कैमल फेयर मेला है, ऊँटों का मेला है, वो कब मनाया जाता है, हेल्ड मतलब मनाना, हेल्ड मतलब वहां पे उस समय उसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। आप हेल्ड को बोल सकते हैं आयोजन करना, ठीक है। वहां पे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, आयोजन किया जाता है हर साल, कब, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर, ठीक है।
ओवर 25,000, ठीक है, यहाँ पे कम से कम 25,000 जो कैमल हैं वो यहाँ पर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 25,000 कैमल इस मेले में आते हैं, कैमल अलोंग विद अदर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन, ठीक है, आप याद रखेंगे लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? पशुधन, ठीक है, लाइव स्टॉक पशुधन को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे जो है कैमल्स आते हैं, पशुधन आते हैं, और दूसरे पशुधन भी लाए जाते हैं विद अदर लाइव स्टॉक, जो दूसरे पशुधन है, दूसरे पशु हैं उनको भी लाया जाता है, जैसे कि सचेज, जैसे कि सचेज का मतलब जैसे कि ऑक्सन। ऑक्सन किसको बोलते हैं? ऑक्सन किसको बोलते हैं बताइए, आपको पता होगा तो, ठीक है। ऑक्सन बोलते हैं बैल को, किसको बोलते हैं? ऑक्सन बोलते हैं बैल को। हॉर्सेस, हॉर्सेस आपको पता है घोड़ों को बोलते हैं, ठीक है, हॉर्सेस मतलब घोड़े। काउज, काउज गायों को बोलते हैं। एंड बफेलोज, बफेलोज किसको बोलते हैं? भैंसों को, ठीक है, बफेलोज। स्पेलिंग आप इन सबकी याद करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत ना हो। आर ट्रेडेड, ठीक है, इन सबके मेले यहाँ पर, इन सबका व्यापार यहाँ पे होता है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। तो यहाँ किस कौन कौन से जानवर लाए जाते हैं? कैमल तो आते ही हैं, कैमल का तो मेन मेला है, मुख्य मेला तो कैमल का ही है, ऊँटों का ही है, लेकिन ऊँटों के साथ साथ और भी पशुधन लाया जाता है, जैसे कि ऑक्सन, हॉर्सेस, काउज, बफेलोज और ट्रेडेड, इन जानवरों का भी व्यापार यहाँ पर होता है, ठीक है। मेकिंग दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर, और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर लगता है, जो ऊँटों का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है। मेकिंग दिस, यहाँ पे जो मेला लगता है ऊँटों का, मेकिंग दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है, ठीक है। तो ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर में लगता है। आप याद रखेंगे कि मेकिंग दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है वो यही पुष्कर में ही लगता है, ठीक है। पुष्कर इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल, पुष्कर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। पुष्कर इज आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज मतलब जाना जाता है, आल्सो मतलब भी, ठीक है, आल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, पुष्कर को मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, पुष्कर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। पुष्कर इज आल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, पुष्कर जो है उसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। देयर आर अबाउट 500 टेम्पल इन दिस सिटी, और इस सिटी में कितने टेम्पल है? 500 टेम्पल है, लगभग 500 मंदिर पुष्कर के अंदर हैं, ठीक है। तो देयर आर अबाउट मतलब लगभग, ठीक है, यहाँ पे लगभग, अबाउट का मतलब लगभग होता है, लगभग 500 मतलब 500 टेम्पल्स कहते हैं मंदिरों को, ठीक है। इन दिस सिटी मतलब इस शहर में लगभग 500 मंदिर हैं, इसीलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अमोंग देम टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, और पूरे देश में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो यहाँ पर फेमस है, ठीक है, प्रसिद्ध है। फेमस का मतलब क्या होता है? फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, और अमोंग का मतलब क्या होता है? अमोंग मतलब होता है के बीच में, इन सारे मंदिरों के बीच में जो एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसे ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है, इन सारे इतने सारे जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है वो किसका मंदिर है? वो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है। ब्रह्मा जी को आप जानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन हमारे त्रिदेव हैं, ठीक है, उन्हीं में जो ब्रह्मा जी हैं उनका मंदिर पूरे वर्ल्ड में पुष्कर में है, ठीक है, पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया के अंदर ये सिर्फ पुष्कर के अंदर ही इनका मंदिर मिलता है, ठीक है। तो अमोंग देम द टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री, जो कि पूरे देश में ये प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी का मंदिर,
पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑल ओवर द कंट्री का मतलब होता है पूरे देश में, ठीक है। ऑल ओवर द कंट्री मतलब पूरे देश में, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध है, ठीक है। इट इज विजिटेड बाय लॉट्स ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर, और यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं, भ्रमण करने आते हैं, ठीक है। विजिट का मतलब होता है भ्रमण, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे, ठीक है। डिवोटीज बोलते हैं भक्तों को, ठीक है, या अनुयायी जो होते हैं, भक्त होते हैं वो लोग। एवरी ईयर मतलब हर साल, ठीक है, हर साल यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ विजिट करने। देयर इज द फेमस पुष्कर लेक विच इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर टू टेक अ होली डिप इन इट। क्या मतलब हुआ, ठीक है, तो देयर इज अ फेमस कहते हैं प्रसिद्ध को, ठीक है। देयर इज अ फेमस पुष्कर लेक, लेक किसको बोलते हैं, झील को, ठीक है। लेक का मतलब क्या होता है, झील, ठीक है, लेक कहते हैं झील को। तो वहां पर पुष्कर में एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है, ठीक है, यहाँ पुष्कर के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है। विच इज विजिटेड, विजिट मतलब जिसमें लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, भ्रमण करते हैं, जिसका जहाँ पे लोग जाते हैं। वाई थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, दो हजारों लोग, ठीक है, डिवोटीज कहते हैं भक्तों को। तो हजारों भक्त यहाँ पर एवरी ईयर हर साल, ठीक है, हर साल यहाँ पर हजारों जो भक्त हैं वो टू टेक अ होली डिप, एक पवित्र डुबकी लगाते हैं, ठीक है। होली डिप का मतलब क्या होता है, होली डिप का मतलब होता है पवित्र डुबकी। होली का मतलब पवित्र होता है, डिप मतलब डुबकी, ठीक है। वहां पर सभी लोग टेक मतलब लेते हैं, वहां पर एक पवित्र डुबकी लगाते हैं इस झील, ये जो झील है यहाँ की, ये बहुत प्रसिद्ध झील है, और यहाँ पे हजारों लोग हर साल आकर स्नान करते हैं, आप ये कह सकते हैं स्नान करते हैं या फिर एक पवित्र डुबकी लगाते हैं। याद रखेंगे आप, होली डिप का मतलब होता है पवित्र डुबकी, ठीक है। एवरी ईयर मतलब हर साल, डिवोटी कहते हैं भक्तों को, थाउजेंड्स मतलब हजारों, ठीक है, विजिट मतलब आते हैं वहां पर भ्रमण करने के लिए, और फेमस जो पुष्कर की झील है उसमें, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ रोज गार्डन्स इन विच वेरियस टाइप ऑफ रोजेस आर ग्रोन एंड सोल्ड, और वहाँ पर यहाँ जो पुष्कर है यहाँ पे लॉट्स ऑफ रोजेज, बहुत सारे रोज होते हैं, रोज जानते हो ना, गुलाबों को, गुलाब के फूलों को बोलते हैं, ठीक है, थीके? बहुत सारे यहाँ पे रोज गार्डन है, ठीक है, गुलाब के फूलों के बगीचे हैं, गार्डन किसको बोलते हैं, बगीचे को, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ रोज गार्डन्स, यहाँ बहुत सारे गुलाब के फूलों के बगीचे हैं। इन विच वेरियस टाइप ऑफ, और इसमें बहुत सारे तरह तरह के, वेरियस मतलब बहुत टाइप के, तरह तरह के ऑफ रोजेस, या अलग अलग तरह के रोजेस हैं, अलग अलग तरह के गुलाब्स के, गुलाब के फूल हैं। आर ग्रोन, जो कि उगते हैं, ग्रो मतलब उगना, एंड सोल्ड, और उन्हें उगाया और बेचा जाता है, ठीक है। यहाँ बहुत तरह तरह के गुलाब के फूलों को उगाया जाता है और इन्हें बेचा जाता है, सोल्ड मतलब बेचना। कल्चरल शो एंड एग्जीबिशन आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन दिस फेयर टू मेक इट लवली एंड इंजॉयबल, ठीक है। यहाँ पे कल्चरल शो जो होते हैं वो भी यहाँ पर मनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो कल्चरल शो का मतलब क्या होता है, कल्चरल शो का मतलब होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। कल्चरल, कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब सांस्कृतिक, शोज कहते हैं कार्यक्रम को, ठीक है। तो कल्चरल शोज, यहाँ पे कल्चरल शोज होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। एंड एग्जीबिशन, एग्जीबिशन किसको कहते हैं, प्रदर्शनी को, ठीक है। यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए जाते हैं, प्रदर्शनी लगाई जाती है। एंड एग्जीबिशन आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाता है। तो कल्चरल शोज एंड एग्जीबिशन आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन दिस फेयर, इस मेले में, इन दिस फेयर मतलब इस मेले में, टू मेक इट लाइवली एंड इंजॉयबल,
और ये जीवंत होते हैं, लाइवली मतलब जीवंत होते हैं, और इन्हें लोग इनका आनंद उठाते हैं, ठीक है, इनका इनको सभी लोग इंजॉय करते हैं, इनका आनंद उठाते हैं, ठीक है। मटकी फोड़, यहाँ पे ऐसी प्रतियोगिता होती है, मटकी फोड़, ठीक है, मटकी फोड़ एक प्रतियोगिता होती है, ठीक है, मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है, मुस्टैच, मुस्टैच कहते हैं मूछों को, ठीक है, मुस्टैच की प्रतियोगिता और वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, मुस्टैच की प्रतियोगिता रखी जाती है, एंड ब्राइडल, ब्राइडल किसको कहते हैं, दुल्हन को, ठीक है, ब्राइडल कॉम्पिटिशन वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, आर सम ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस कैमल फेयर, ये कैमल फेयर के मुख्य अट्रैक्शन के, ये जो कैमल फेयर होता है ना, इसको अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करने वाले कुछ आयोजन हैं जिन्हें किया जाता है वहाँ। अट्रैक्शंस का मतलब होता है आकर्षण, ठीक है, अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षण या फिर लुभाना, ठीक है, लुभाना, आकर्षण। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पे इस तरह के आयोजन किया जाते हैं, जैसे कि मटकी फोड़ हो गई, मुस्टैच, मुस्टैच का आयोजन, ठीक है, और ब्राइडल कंपटीशन, जो जो दुल्हन होती है उसकी प्रतियोगिता, ठीक है, इस तरह के आर सम ऑफ द मेन अट्रैक्शन, ये कुछ मुख्य, मेन मतलब मुख्य, मुख्य ये लुभाने की चीज़ें हैं जो कि इस फेस्टिवल को और भी ज़्यादा रोचक बना देती हैं, ठीक है। Besides these, the camel beauty contest, contest किसको बोलते हैं, contest बोलते हैं प्रतियोगिता को, ठीक है, contest किसको बोलते हैं, और besides बोलते हैं इसके अलावा, ठीक है, besides का मतलब वो क्या होता है, इसके इसी के साथ में या इसके अलावा या फिर इसके अतिरिक्त जो भी, these the camel beauty, ये जो camel beauty है, जो इसका सुंदर सा जो festival होता है, किसका, camel fair का, ऊँटों का जो मेला होता है, ब्यूटी कहते हैं सुंदरता को, ठीक है, खूबसूरती को, कैमल का जो ऊँटों का सुंदर सा मेला है, कॉन्टेस्ट कहते हैं प्रतियोगिता को, ठीक है, तो कॉन्टेस्ट होता है, बिसाइड दीज कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट इन एंड इंटरेस्टिंग इवेंट एट दिस फेयर, ये इस मेले का एक बहुत ही रोचक इवेंट होता है, ठीक है, एक बहुत ही रोचक ये घटना है, इस मेले की बहुत ही रोचक एक घटना है, जिसे आप कह सकते हैं, इवेंट का मतलब घटना होती है, दिस फेयर मतलब इस मेले की, ठीक है, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक। द वेल डेकोरेटेड कैमल्स डांस, और जो कैमल्स होते हैं, ऊंट होते हैं, उन्हें अच्छी तरह से सजाया जाता है, वेल डेकोरेटेड मतलब अच्छे से उन्हें, वो सजे हुए होते हैं, और वो क्या करते हैं, डांस करते हैं, जो सजे हुए कैमल हैं, अच्छे से वो नाचते हैं, डांस करते हैं, परेड एंड रन, और वो परेड करते हैं और रन करते हैं, ठीक है, रन मतलब दौड़ते हैं, परेड मतलब एक साथ चलते हैं वो, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ नेटिव एंड फॉरेन विजिटर्स वॉच देम, और यहाँ पर हजारों, थाउजेंड्स कहते हैं हजारों, नेटिव कहते हैं स्वदेशी, जो हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं उन्हें स्वदेशी कहेंगे, नेटिव कहेंगे, और फॉरेन, फॉरेन कहते हैं विदेशी, ठीक है, तो स्वदेशी और विदेशी जो विजिटर हैं, जो वहाँ पर आने वाले हैं, वो सभी इसको देखते हैं, वॉच मतलब देखने के लिए, वो सभी इसको देखने के लिए आते हैं, तो थाउजेंड्स और स्वदेशी एंड विदेशी विजिटर जो यात्री हैं, वो वहाँ इन सबको देखने के लिए इस चीज़ को आते हैं, ठीक है। ऑन द कार्तिक पूर्णिमा डे, और जब कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, माई अंकल टुक मी टू द ग्रैंड कैमल फेयर, तो जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, उस दिन मेरे अंकल, मेरे चाचा जी टुक मी, मुझे ले गए, टुक मी मतलब ले जाना, टू ग्रैंड फेयर, वो बड़े से कैमल फेयर में, बड़े से ऊँटों के मेले में, ग्रैंड मतलब बड़े से, ठीक है, ऊँटों के मेले में वो मुझे ले गए। रीचिंग द फेयर साइट, जब मैं जो मेले की जगह पर जब मैं पहुंचा, रीचिंग मतलब पहुंचना,
ठीक है। रीच मतलब पहुंचना, फेयर मतलब मेला कहते हैं, साइड मतलब उस स्थान पर, जब मैं मेले के उस स्थान पर पहुंचा, वी सो, सो मतलब देखना, वी सो लॉट्स ऑफ कैमल, मैंने वहां ढेर सारे कैमल देखे, ठीक है। वी शो, सो मतलब देखना, ठीक है। लॉट्स मतलब बहुत सारे, ऑफ कैमल्स बहुत सारे ऊँटों को मैंने देखा, हमने बहुत सारे ऊँटों को देखा, हॉर्सेस बफेलोज एक्सेट्रा, और घोड़ों को भी देखा हमने और भैंसों को भी देखा। वी आल्सो सो रोज ऑफ शॉप्स, और हमने वहाँ पे दुकानों को भी देखा, ठीक है। दुकानों, दुकानें लगी हुई देखी, रोज मतलब पंक्ति में, ठीक है। ऐसे होते ना, ऐसे दुकानें आप मेले में से लगी रहती, एक तरफ से पंक्ति में से लगी रहती बहुत सारी दुकानें, ठीक है। तो ऐसे ही रोज कहते हैं पंक्ति को। एक लाइन से हमने बहुत सारी शॉप्स देखी, दुकानें देखी। सेलिंग स्वीट्स, जिसमें मिठाइयाँ बिक रही थी, सेलिंग मतलब बिकना, स्वीट्स कहते हैं मिठाई को, मिठाइयाँ बिक रही थी, फ्रूट्स बिक रहे थे, फल बिक रहे थे, और ईटेबल्स और खाने वाले बहुत सारे आइटम बिक रहे थे, ठीक है। ईटेबल्स बोलते हैं खाने वाले आइटम को, ठीक है। तो खाने वाली बहुत सारी तरह तरह की चीजें वहां पर बिक रही थी। टॉयज और खिलौने भी बिक रहे थे, टॉयज किसको बोलते हैं, खिलौनों को, ठीक है। तो टॉयज भी बिक रहे थे, और क्रॉकरी, क्रॉकरी किसको बोलते हैं, क्रॉकरी बोलते हैं जो कांच के बर्तन होते हैं ना, तो कांच के बर्तनों को क्रॉकरी बोलते हैं। और शूज बिक रहे थे, जूते बिक रहे थे, पॉट्स एंड पेंस और बर्तन बिक रहे थे, पॉट्स एंड पैन मतलब बर्तन, ठीक है, तरह तरह के बर्तन बिक रहे थे, यूटेंसिल भी बोलते हैं बर्तन को, ठीक है। तो तरह तरह के वहाँ बर्तन बिक रहे थे, एंड ज्वेलरी और गहने बिक रहे थे, ज्वेलरी मतलब गहने, ठीक है, और गहने बिक रहे थे, एटसेट्रा, इस तरह की अलग अलग तरह की चीजें वहाँ पर बिक रही थी। देयर वर पीपल, पीपल कहते हैं लोगों को, ठीक है, वहाँ पर जो लोग आए हुए थे, ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कास्ट एंड क्रीड्स, देयर वहाँ जितने भी लोग अलग अलग तरह के आए हुए, ठीक है, वहाँ पर जो पीपल, जो लोग आए हुए थे, वो ऑफ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी तरह के लोग थे, ऑल द कास्ट सभी कास्ट के लोग थे, कास्ट किसको बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं जाति को, प्रजाति को, ठीक है, कास्ट मतलब अलग अलग जाति के लोग थे, ठीक है, और अलग अलग मजहब या धर्म के लोग थे, क्रीड्स बोलते हैं मजहब या धर्म को, ठीक है, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पर आए हुए थे। दे वर इन देयर अट्रैक्टिव क्लॉथ्स एंड लुक्ड चीयरफुल, और वो अट्रैक्टिव क्लॉथ्स मतलब बहुत ही आकर्षण, आकर्षक कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। दे वर इन देयर अट्रैक्टिव क्लॉथ्स, और वहाँ पे तरह तरह के कपड़े थे जो कि अट्रैक्ट कर रहे थे, और लुक्ड चीयरफुल, और वहाँ पर सभी लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। चीयरफुल मतलब खुश नजर आना, लुक्ड मतलब दिखाई देना, वहाँ सभी लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। चिल्ड्रन एंड अडल्ट, चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को, अडल्ट मतलब जो युवा लोग होते हैं। चिल्ड्रन एंड अडल्ट एंजॉयिंग स्विंगिंग इन द मैरी गो अराउंड, ठीक है, जो बच्चे थे और जो युवा लोग थे वो इंजॉय कर रहे थे, इंजॉय मतलब वो मजे कर रहे थे। स्विंग, स्विंग का मतलब क्या मतलब होता है, स्विंग मतलब होता है झूलना, ठीक है, एस डब्ल्यू आई एन जी आई एन जी, स्विंग मतलब होता है झूलना। किसको झूल रहे थे वो, मैरी गो अराउंड, जो राउंड राउंड तरह का ऐसा घोड़ा जो झूला होता है ना, गोल 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 ऐसे घूमता है, तो उस तरह के झूले को वो सभी इंजॉय कर रहे थे, मैरी गो अराउंड को। वॉचिंग फिल्म, और वो फिल्म देख रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, वॉचिंग मतलब देखना, फिल्म आपको पता है पिक्चर को बोलते हैं, ठीक है। सर्कस, और वो कुछ लोग सर्कस देख रहे थे, ठीक है। और पपेट शो, कुछ लोग पपेट शो देख रहे थे, पपेट शो किसको बोलते हैं, जो कठपुतली का डांस होता है ना, कठपुतली बना के उनको नचाते हैं आपस में, तो कठपुतली का डांस कुछ लोग देख रहे थे, कुछ लोग सर्कस देख रहे थे, कुछ लोग फिल्म देख रहे थे। द फेयर्स प्रेजेंटेड आ
वंडरफुल सीन्स, और जो फेयर था, जो मेला था, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत उसका दृश्य था। ठीक है, वंडरफुल मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक या बहुत ज्यादा खूबसूरत या आश्चर्यजनक आप कह सकते हैं, उसका सीन मतलब दृश्य था। प्रेजेंटेड जो वहाँ पे प्रेजेंट हो रहा था, जो दिखाई दे रहा था, वो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला एक दृश्य था, बहुत ही खूबसूरत दृश्य था आप ऐसे कह सकते हैं। आई बॉट सम टॉयज, हमने कुछ खिलौने खरीदे। बॉट मतलब खरीदना, बाय का पास्ट फॉर्म होता है बॉट। ठीक है, बाय का पास्ट फॉर्म होता है बॉट, बी ओ यू जी एच टी। ठीक है, क्योंकि स्टोरी सारी पास्ट में कही जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं। तो आई बॉट सम टॉयज, टॉयज कहते हैं खिलौनों को, हमने भी कुछ खिलौने खरीदे। एंड स्वीट्स, और कुछ मिठाइयाँ खरीदी। ठीक है, फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई बहनों के लिए मैंने भी कुछ खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। वी ऑल रिटर्न होम हैप्पली, और खुशी खुशी हम सब घर वापस लौट गए। रिटर्न मतलब वापस हो जाना। ठीक है, ऑल मतलब सभी, बी मतलब हम सभी खुशी खुशी, हैप्पली मतलब खुशी खुशी, हम सभी खुशी खुशी घर वापस आ गए। रियली या फेयर इज अ प्लेस फॉर मेरी मेकिंग, वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में, ये जो एक मेला था, एक जो ये फेयर है, फेयर कहते हैं मेले को, इज अ प्लेस, ये एक वो स्थान है फॉर मैरी मेकिंग, जो सभी को बहुत खुश कर देता है। मैरी मेकिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, खुश कर देना। ये ऐसा मेला है जो वाकई में सभी को बहुत ही खुश कर देता है, प्रसन्न कर देता है। इंक्रीजिंग अवर नॉलेज, और हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। नॉलेज कहते हैं ज्ञान को, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाना। ठीक है, और जो मेला होता है, फेयर होता है, ये हमारे ज्ञान को भी बढ़ाता है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाना, अवर मतलब हमारे, नॉलेज कहते हैं ज्ञान को। ठीक है, अबाउट अवर कल्चर, अब किसके ज्ञान को बढ़ाता है, कल्चर के बारे में। ठीक है, हमारा जो परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी संस्कृति है, इसके ज्ञान को बढ़ाने का काम करता है फेयर, जो मेला है। मेले में जाके हम बहुत सारी कल्चरल चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक चीज़ों को देखते हैं, जिनसे कि हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। एंड मीटिंग वेरियस पीपल, और बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं। मीटिंग मतलब मिलना, वेरियस मतलब बहुत सारे, पीपल कहते हैं लोगों को, और हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। एवरीवन शुड विजिट फेयर्स वेन एवर दे आर हेल्ड इन योर नेबरहुड। एवरीवन मतलब सभी को, शुड विजिट सभी को विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, विजिट मतलब जाना चाहिए, फेयर्स में, मेलों में, सभी को मेलों में जाना चाहिए। वेन एवर जब कभी भी, वेन एवर मतलब जब कभी भी, दे आर हेल्ड जब भी, जब कभी भी ये मेलों का आयोजन हो। ठीक है, जब कभी भी इन मेलों का आयोजन हो तो हम सभी को जाना चाहिए। ठीक है, हेल्ड मतलब आयोजित होना, हेल्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, आयोजित होना। जब कभी भी मेलों का आयोजन हो इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में। ठीक है, नेबरहुड मतलब पड़ोस। ठीक है, जब भी कभी आपके एरिया में, आपके पड़ोस में कोई मेले के किसी मेले का आयोजन हो तो आपको जरूर वहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा ये चैप्टर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, और इसके हार्ड वर्ड भी करेंगे और एक्टिविटी भी करेंगे। तो आप, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी दूसरे पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस फर्स्ट पार्ट में, फोर्थ चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने स्टोरी आपकी देखी है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में, जो आपको सेकेंड पार्ट इसका मिलेगा, उसमें सभी तरह के क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी आप को मैं करा दूंगी। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को देखिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और ये आपके कुछ हार्ड वर्ड दिए गए हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा इसका, जिसमें हम हार्ड वर्ड करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपकी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।